देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। जारी आंकड़ों में बताया गया 23 मई को ठीक होने वालों की संख्या थी 50,000, जो 4 सितंबर को पहुंची 32 लाख। मुजफ्फरनगर में कोविड 19 से लड़ाई के लिए द्वारिका सिटी में 200 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल सेंटर किया गया स्थापित। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किया उद्घाटन। राजधानी लखनऊ में आज सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड 19 की गाइडलाइन के साथ संपन्न कराई जा रही है एनडीए की परीक्षा। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों ने जताई खुशी। और राजधानी लखनऊ में कल फिर से दौड़ेगी मेट्रो। कोविड 19 के प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षा के किए जा रहे हैं व्यापक इंतजाम। चलने वाले यात्रियों को मास्क लगाना होगा अनिवार्य। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ भारत की सफलता में नए मुकाम जुड़ते जा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के ठीक होने की संख्या, जो मई में 50,000 थी, सितंबर में तेजी से बढ़कर 30 लाख तक पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ट्वीट कर एक ग्राफिक चार्ट के जरिए कोविड 19 के खिलाफ भारत की सफलता को रेखांकित किया है। चार्ट के मुताबिक 23 मई भारत ने कोविड 19 से ठीक होने वाले मरीजों की जो संख्या 50,000 थी, जो 4 सितंबर को करीब 32 लाख के पास पहुंच गई। यही नहीं, हर दिन कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमण एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 70,000 को पार कर गई है। कुल संक्रमित मरीजों के 3/4 अब तक ठीक हो चुके हैं। शेयर किए गए दूसरे चार्ट के मुताबिक 24 अगस्त को एक दिन में 57,569 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 5 सितंबर तक ठीक होने का यह आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ 70,000 को पार कर गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 73,642 मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो गए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 77.32% हो गई है। मुजफ्फरनगर जिले में कोविड 19 महामारी के लगातार बढ़ने से शहर की द्वारिका सिटी में 200 बेड का एक नया कोविड हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। L1 कोविड केयर अस्पताल का केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने उद्घाटन किया। हॉस्पिटल के लिए चिकित्सा अधिकारी व पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। ये टीम 24 घंटे अस्पताल में तैनात रहेगी। समस्त स्टाफ सहित मरीजों के रहने एवं खाने की व्यवस्था भी जिला प्रशासन ने की है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान ने कहा कि जिले में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। मरीजों को सही सुविधाएं मिले और उनका सही से उपचार हो, इसी के चलते ये हॉस्पिटल बनाया गया है। इसी के साथ शहरी क्षेत्र में 5 स्थानों पर थर्मल स्कैनिंग एवं पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा जांच के लिए 5 बूथों का उद्घाटन भी हुआ। कार्यक्रम में जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे, सीएमओ डॉ प्रवीण चोपड़ा मौजूद रहे। देखिए, 200 बेड का L1 कोविड हॉस्पिटल यहाँ पे आज शुरू हुआ है और जिन मरीजों को ज्यादा सिम्टम नहीं है या ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं है उनको यहाँ पे रखा जाएगा। बिल्कुल नई बिल्डिंग है, एक फ्लैट में करीब 4 लोग रहेंगे। डिस्पोजेबल सब चीज़ों का इंजाम यहाँ किया गया है तो कुछ बेहतर रहेगा, क्योंकि सब मरीज जो ज़्यादा गंभीर नहीं थे और गंभीर एक साथ थे तो ये अलग अलग कैटेगरी हो जाएगी। L1 कुछ लोग यहाँ रहेंगे, जो गंभीर लोग हैं जिनको समस्या ज़्यादा है वो मेडिकल कॉलेज में रहेंगे और कुछ सांसद निधि और विधायक निधि से सबको मिलकर कुछ इक्विपमेंट्स मेडिकल इसके सिविल हॉस्पिटल के खरीदे गए हैं, वो भी आपके सामने है। जो कोरोना की शुरुआत हुई तो हम सबका मन था कि जो बचा हुआ पैसा है निधि में, आज के दिन जो हालात हैं देश में उसमें वो हॉस्पिटल में उन चीजों में लगे, तो उसके लिए डेंटल चेयर, इस तरह के इक्विपमेंट जो आगे भी काम आएंगे कोरोना के बाद वो भी खरीदेंगे। देखिए, यहाँ डॉक्टर की ड्यूटी है बाकायदा, सब चीज है, खाना यहाँ मिलेगा, यहीं रहेंगे, ये उनके लिए सुविधा है कि होम क्वारंटाइन नहीं हो सकते, ज्यादा सुविधाएं घर में नहीं है तो डॉक्टर से रहेंगे बाकायदा, यहाँ देखभाल के लिए सब लोग रहेंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में बरेली में जिला समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विधायकों और सांसद आंवला ने भी शिरकत कर शहर में विकास के मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग से कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही पर नाराजगी जताई और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा
कि अभी तक विकास कार्यों और स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो भी शिकायतें आ रही थीं सब पर विचार किया गया है और अब विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि देश के हर शहर का पूर्ण विकास हो। विशाखी मीटिंग जनवरी में की थी, उसके 6 महीने बाद हम अब मीटिंग कर रहे हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया था तो सदस्यों के परामर्श करके वर्चुअल नहीं सीधे मीटिंग हुई और आज बड़ी संख्या में सभी साथी लोग एकत्रित आए और आज शुरुआत की है। अगली बैठक जो हम दिसंबर में करेंगे तब और अच्छे ढंग से समीक्षा करेंगे, पर वास्तव में आज अच्छा स्वरूप सामने आया। सभी सदस्यों ने, सारे उपस्थित विधायक और माननीय सांसद जी ने अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं। मुझे लगता है कि अब एक सही रूप से काम करना शुरू करने का दिशा में आया। उत्तर प्रदेश में आज एनडीए की परीक्षा सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड 19 की गाइडलाइन के तहत संपन्न कराई जा रही है। 2 पालियों में संपन्न होने वाली इस परीक्षा में 94 केंद्र लखनऊ में बनाए गए हैं और इसमें 35,000 से अधिक छात्र हिस्सा ले रहे हैं। कोविड 19 के दौरान परीक्षा कराए जाने का काफी बड़ी संख्या में विरोध हुआ था, लेकिन परीक्षा को लेकर छात्रों का कहना है कि सही वक्त पर परीक्षा होने से उनको आसानी हुई है। हालांकि कुछ छात्रों ने कहा कि सेंटर तक पहुंचने में लॉकडाउन की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन समय से परीक्षा और रिजल्ट समय से अगर आएगा तो उनको रोजगार उपलब्ध होगा। ठीक थी और हम लोग दूर दूर बैठे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था और सभी सैनिटाइजर लेके आए थे, यहाँ सैनिटाइजर भी उपलब्ध था। हम लोग ने पहले हाथ सैनिटाइज कर लिए, फिर बाद में ही अंदर जाने दे रहे थे, तो सब व्यवस्था ठीक थी। तो अब पेपर नहीं होगा तो फिर आगे कैसे काम होगा, इसी वजह से ठीक है कदम की पेपर हो रहा है। पेपर जो हुआ है वो सही मतलब ढंग से हुआ है, जो भी मतलब बंदोबस्त था यहाँ पुलिस का एकदम सही था। हम लोग जैसे आए हैं यहाँ मतलब लाइन लगा कर वो दिया, हमारा मोबाइल पहले लिया गया, बैग रखवाया गया, सैनिटाइजर हम कैरी किए थे और अपना ग्लव्स लिए थे सेफ्टी के लिए, उसको यूज़ कर कर हम अंदर गए, मतलब कहीं टच उस किसी से हुआ नहीं, तो वो सेफ्टी था। और पेरेंट्स को भी यही चाहिए था कि इतना सेफ्टी रहना चाहिए, तो वही इतना सेफ्टी था तो मुझे भी उतना डर नहीं लगा ये पेपर देने में। जब घर से निकल रहे थे तो थोड़ा डर लग रहा था कुछ है मतलब वो कोरोना ना हो जाए, लेकिन मतलब ये सही और ये सब जो हुआ बंदोबस्त सही था। ना होता तो सर ये था कि एक साल गेस्ट गुजारने का चांस खड़ा था, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे, फिर काफी साल लेट हो रहा था इसलिए। भारतीय रेल करीब 1.40 लाख पदों पर भर्ती के लिए 15 दिसंबर से कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराना शुरू करेगा। इनमें 35,208 पद गैर तकनीक लोकप्रिय श्रेणी जैसे गार्ड, कार्यालय, लिपिक, वाणिज्यिक लिपिक और अन्य 1,663 पद पृथक और मंत्रालय श्रेणी आदि और 1,03,769 पद वर्ग ए के हैं, जिनमें पटरियों का रखरखाव करने वाले पॉइंटमैन आदि आते हैं। इन पदों के लिए करीब 2.40 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की जांच का काम पूरा हो गया था, लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण कंप्यूटर आधारित परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अभ्यर्थियों को सुरक्षा के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक और केंद्र तथा राज्य सरकारों के निर्देशों का पालन किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में कल से मेट्रो में यात्री सफर कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के दौरान बंद की गई मेट्रो 7 सितंबर से एक बार फिर से दौड़ेगी। इस दौरान लखनऊ मेट्रो को सैनिटाइज किया जा रहा है। मेट्रो के निदेशक संचालन सुशील कुमार ने बताया कि लखनऊ में मेट्रो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर मेट्रो अन्य साधनों से ज्यादा सुरक्षित रहेगी। मेट्रो में सभी यात्रा करने वाले यात्रियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। लखनऊ मेट्रो आप सबका पुनः स्वागत करती है। कल 7 तारीख से मेट्रो शुरू होगी, बिल्कुल पहले के भांति ही सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक ट्रेन हर स्टेशन पर रुकेगी और हर 5.5 मिनट के बाद में दूसरी ट्रेन उपलब्ध रहेगी। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, क्योंकि मेट्रो बस और ऑटो और टेम्पो के कंपेरिजन में ज्यादा सुरक्षित है। केवल एक रिक्वायरमेंट है कि सभी लोग
डिसिप्लिन फॉलो करते हुए मास्क लगा करके आए, उनका टेम्परेचर भी लिया जाएगा, उनके हाथ सैनिटाइज करने के बाद में ही मेट्रो में उनका प्रवेश करने दिया जाएगा। मुसाफिरों के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि भारतीय रेल मुसाफिरों के लिए एक राहत भरी खबर लेकर आई है। भारतीय रेल 12 सितंबर से 40 जोड़ी विशेष ट्रेनों को आरंभ करने जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और ट्रेनों की सूची भी जारी की है। 12 सितंबर से शुरू हो रही 40 जोड़ी ट्रेनों की बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होगी। हिस्सों में आवागमन के लिए रेलगाड़ी भारतीय मुसाफिरों की पहली पसंद है जो उनके सफर को सुगम और सुहाना बनाती है, लेकिन कोरोना महामारी ने मुसाफिरों की उनके सपनों की रेल से जुदा कर दिया है। लेकिन भारतीय रेल के लाखों कर्मचारियों ने कोरोना योद्धा की भूमिका निभाकर लॉकडाउन पीरियड में भी सीमित क्षेत्रों में रेल को पटरी पर दौड़ाया। अब भारतीय रेल मुसाफिरों के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी और ट्रेनों की सूची भी जारी की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय रेल 12 सितंबर से 40 जोड़ी विशेष ट्रेनों को आरंभ करने जा रही है जिनकी बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होगी। ये स्पेशल रेलगाड़ियां देहरादून, अजमेर, जयपुर, जबलपुर, प्रयागराज, भागलपुर, गोरखपुर, ग्वालियर, मुजफ्फरपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करेगी। इससे पहले रेलवे ने 12 मई से 30 राजधानी स्पेशल ट्रेनें चलाई थी, जबकि 1 जून से 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाकर भारतीय रेल ने मुसाफिरों की दिक्कतों को सहूलियत में बदलने के प्रयास किए। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने 1 मई से मजदूर दिवस के मौके पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चलाई और लाखों मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया। कार्गो पार्सल ट्रेनों के परिचालन से रेलवे ने लॉकडाउन पीरियड में भी देश भर में जीवन रक्षक दवाइयां और आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाकर कीर्तिमान स्थापित किया। अंबेडकर नगर में जिला मुख्यालय पर पूर्व सांसद हरिओम पांडे ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री जी द्वारा अयोध्या मंदिर के शुभारंभ के बारे में बताया कि अयोध्या में मंदिर निर्माण हो जाने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश और जनपद को पर्यटन का लाभ मिलेगा जिसको लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन से जो पैसा आएगा उससे अयोध्या का विकास होगा तथा उसी के साथ साथ पड़ोसी जनपद अंबेडकर नगर का भी विकास होगा तथा अयोध्या अवध की संस्कृति पूरे विश्व में प्रसारित होगी। इससे हमारे देश को, हमारे जनपद अंबेडकर नगर को और हमारे अवध की अयोध्या को जो पर्यटन का लाभ मिलेगा, निश्चित ही हमारे देश के लिए एक बहुत ही आशा भरी निगाहों से जो लोग देख रहे थे करोड़ों करोड़ों की संख्या में, वह आत्मसात करने के योग्य है। मोदी जी की सोच देखिए कि आर्थिक दृष्टि से विदेशों से जो पैसा आएगा हमारे प्रांत में आएगा, उत्तर प्रदेश में आएगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी है, योगी जी की भी यही अभिलाषा थी। और मैं पड़ोसी जनपद 25-30 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, जब अयोध्या का संपूर्ण विकास होगा, पर्यटक के मानचित्र पर पूरे विश्व में पूजा जाने लगेगा, तो निश्चित तौर पर मेरे जनपद का ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। फरक्काबाद में आज राजपूत सेना में 353 रिक्रूट को 9 माह के कठिन प्रशिक्षण के बाद भारतीय सेना में शामिल किया गया। सेंटर कमांडेंट राजीव पुरी ने राजपूत सेना के करियप्पा ग्राउंड पर आयोजित 353 रिक्रूटों की भव्य पासिंग आउट परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। अपने संबोधन में ब्रिगेडियर राजीव पुरी ने कोरोना बीमारी के कारण जवानों के परिजनों को पासिंग आउट परेड में शामिल न कर पाने पर अफसोस जताया। नए सैनिकों से अपने संबोधन में उन्होंने चीन सीमा पर जारी तनाव का जिक्र करते हुए आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए हर तरह की कुर्बानी देने का आह्वान किया। श्री पुरी ने उत्कृष्ट सेना ट्रेनिंग पूरी करने वाले 3 रिक्रूट्स को मेडल देकर सम्मानित किया। देखिए, भारत की जो सेना है उसको भारी सुरक्षा का मुख्य तौर पर उसका टास्क है, और आपको जैसे पता है और मीडिया के अंदर भी काफी आया हुआ है, हमारे चीफ साहब ने भी कल लद्दाख का दौरा करा था, और तनाव है लेकिन स्थिति अभी हमारे पूरे काबू में है। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के 100 साल पूरे होने पर प्रयागराज में संगम फिलेटेलिक क्लब और
डाक विभाग के सहयोग से प्रधान डाकघर के सभागार में स्पेशल डाक कवर जारी किया गया। मुख्य अतिथि जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि फिलेटेलिक क्लब ने डाक विभाग के सहयोग से असहयोग आंदोलन की शताब्दी वर्ष में एक विशेष डाक कवर जारी किया है और आज जो हमारी नई पीढ़ी है इस असहयोग आंदोलन के बारे में इस कवर के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेगी। डाक टिकटों की डाक कवर की महत्ता है कि हमें अपने से जुड़ी पुरानी चीजों के बारे में दोबारा सोचने, मंथन करने और जानकारी हासिल करने के लिए ये प्रेरित करते हैं। हम फिलेटेलिक क्लब ने आज डाक विभाग के संयोजन से असहयोग आंदोलन की शताब्दी वर्ष में एक विशेष डाक कवर जारी किया है। तो आज की जो हमारी नई जनरेशन है उसको कम से कम इस असहयोग आंदोलन के बारे में इस कवर के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, ऐसा मेरा सोचना है। और यही डाक टिकटों की, डाक कवरों की महत्वता है कि वे हमें अपने से जुड़ी हुई पुरानी चीज़ों के बारे में दोबारा सोचने, मंथन करने और जानकारी हासिल करने हेतु प्रेरित करते रहें। उसी के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के 100 साल पूरे हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि संगम फिलैटलिटिक एसोसिएशन, जो आपके व्यूअर्स जो नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूँ, फिलाटली इज द आर्ट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स। तो संगम फिलैटलिटिक एसोसिएशन जो है, क्लब जो है, उसकी तरफ से ये नया कवर टू कमेमोरेट 100 ईयर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये आज हम लोगों ने जनरल पोस्ट ऑफिस पर, उस ऐतिहासिक जनरल पोस्ट ऑफिस पर जिसमें फर्स्ट टाइम एयर मेल शुरू की गई थी, वहाँ पे हम लोगों ने ये किया है, कवर रिलीज किया है। तो इस आंदोलन का स्मरण करने के लिए संगम फिलैटेलिक क्लब और की तरफ से एक प्रपोजल गया था कि 5 सितंबर संयोगवश वो शिक्षक दिन भी है, जिस दिन 5 सितंबर 1888 को भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। तो इसका स्मरण करने के लिए संगम फिलैटेलिक क्लब और भारतीय डाक उत्तर प्रदेश परिमंडल की तरफ से ये विशेष आवरण का विमोचन किया गया है और इससे ये लोगों में इस आंदोलन का स्मरण रहे और फिलैटेली का सर्वदूर प्रसार हो, यही हमारा यहाँ उद्देश्य है। पहाड़ी और आदिवासी अंचलों वाले जनपद सोनभद्र की महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री का आपदा में अवसर का मंत्र स्पष्ट चरितार्थ होता दिख रहा है। घूंघट की आड़ और चूल्हे चौके में अपना पूरा जीवन बिता देने वाली महिलाएं आज इस आपदा में न सिर्फ घूंघट से बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं बल्कि अपने परिवार के लिए एक आर्थिक संबल भी बन रही हैं। महामारी के कारण परिवार की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इन महिलाओं के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए गए 50 सिलाई केंद्रों के माध्यम से करीब 2,500 महिलाएं प्रतिदिन 400 से 500 रूपये प्राप्त कर रही हैं। आजीविका मिशन के जिला समन्वयक एमजी रवि ने बताया कि सरकार की आत्मनिर्भर बनाने की संकल्पना के तहत प्रशासन की ओर से व्यवस्था शुरू की गई है। मौजूदा समय में परिषदीय विद्यालयों के करीब 2.5 लाख ड्रेस बनाने का कार्य ये महिलाएं कर रही हैं, जिन्हें औसतन प्रतिदिन 500 से 600 रूपये मिल जाते हैं। सर, बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं सर, किसी भी चीज़ के लिए सर हम लोगों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा सर। तो नहीं सर, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है महिलाओं के लिए। हमारे सोनभद्र जिले में खास तौर से इस तरह का नहीं था जो अभी तक कुछ सर, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ है। सरकार ने रोजगार देने के लिए काम बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हम लोग घर में बैठे हुए थे और वैसे ही हम लोग को कुछ नाम मिल नहीं रहा था, तो सिलाई सेंटर खुल गया है, वैसे हम लोग 4-5 ड्रेस 6 ड्रेस बना लेते हैं, जिनमें 400-500 हम लोग आराम से कमा लेते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी हम लोग काम कर लेंगे उतना हम लोग को फ़ायदा होगा। फिर भी एक महिला 300-350 रुपये का काम कर लेती है। जिला प्रशासन के सहयोग से जो है कि एक 2.5 लाख स्कूल ड्रेस सिलने का काम समूह की महिलाओं को दिया गया है। इसमें केवल समूह की महिलाएं सिलाई का काम कर रही हैं, शिक्षा विभाग जो है वो स्कूल ड्रेस भी कपड़ा उपलब्ध करा रहा है और महिलाएं जो है इसमें सिलाई का काम कर रही हैं। करीब वर्तमान समय में हमारे टोटल इस जनपद में 48 सेंटर चल रहे हैं और जिसमें करीब 2200 से ज़्यादा महिलाएँ जो हैं जो सिलाई का काम कर रही हैं।
प्रधानमंत्री का लोकल को वोकल बनाने का सपना बरेली में साकार हो रहा है। बरेली शहर के बीचों बीच राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के सहयोग से रूरल मार्ट की शुरुआत की गई है, जिसमें एफपीओ यानी किसान उत्पादन संगठन के 531 से अधिक किसानों के कृषि उत्पाद और स्वयं सहायता समूहों की 111 महिलाओं के द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं। बरेली का ये रूरल मार्ट प्रदेश में अनूठा और मंडल का पहला रूरल सुपर मार्ट है, जहां पर किसानों और ग्रामीण महिलाओं के बनाए उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जा रहे हैं। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक डी के मिश्रा ने हमारे प्रतिनिधि को बताया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने का ये एक प्रयास मात्र है। नाबार्ड ने बरेली जिले में एक किसानों के लिए, जहां पर 531 मेंबर से ज्यादा अभी सदस्य जुड़े हुए हैं, एक रूरल मार्ट प्रोवाइड किया है। इसके अतिरिक्त हमारे समूह की 111 महिलाओं के सामान भी इस मार्ट में रखे गए हैं। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ने के कदम में लोकल फॉर वोकल, उस चीज को, अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ये मार्ट स्थापित किया गया है। ये मंडल का एक पहला मार्ट है जहाँ इतने सदस्य जुड़े हुए हैं। मेरा नाम सर्वेश कुमार गंगवार और मैं सब्जियों की जैविक खेती करता हूँ। मुझे पहले सब्जियों को बेचने में बहुत सी दिक्कत आती थी। ये नाबार्ड के द्वारा हमारा जो रूरल मार्ट खोला गया है, इसके जरिए मैं अपनी सब्जियों को बहुत ही अच्छे दामों में आराम से बेच सकता हूँ और इसका मुझे उचित रेट भी मिलता है। हम इस सब्जी पैदा करने का कार्य करते हैं, जो कि नाबार्ड ने बीचों बीच शहर में रूरल मार्ट नाम का ये शॉप खोला है। वहाँ पर हमारा ये उत्पाद सब्जियाँ बिकती हैं और हमें बहुत ही अच्छे रेट प्राप्त होते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। मैंने सर लोगों से मांग की थी कि कहीं पे हमें एक मार्केट मिले छोटी सी, जहाँ पे मतलब हम अपना सारा सामान वहाँ से सप्लाई कर सके और हम लोगों को अच्छा फायदा मिल सके। तो अब हम नाबार्ड सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये उन्होंने हमारी मांग सुनी और हमें बरेली जैसे शहर में ये दुकान, रूरल मार्केट जो दुकान है, उसमें हमें एक जगह मिली है और हमारा सामान जो है वहाँ से हम लोग पैकिंग करते हैं, यहाँ पे हमारा सामान सप्लाई होता है। इसके प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद का लाभ, झांसी जनपद को सॉफ्ट टॉयज निर्माण से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। स्टफ टॉयज या सॉफ्ट टॉयज एक किस्म का खिलौना है, जिसकी बाहरी परत सिले हुए कपड़े से बनी होती है तथा अंदर किसी लचीली सामग्री द्वारा भरा हुआ होता है। इन खिलौनों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में पॉलीक्लोथ, नोलेक्स, कपड़ा, फाइबर इत्यादि शामिल हैं। स्टफ टॉयज कई अलग अलग रूपों और कई आकारों के बने होते हैं, जो अक्सर वास्तविक जानवरों, पौराणिक जीवों, कार्टून पात्रों या निर्जीव वस्तुओं का प्रारूप होते हैं। प्रदर्शन या संग्रह के लिए उन्हें आरामदायक वस्तुओं के रूप में उपयोग किया जा सकता है या उपहार के रूप में दिया जाता है। वर्तमान में झांसी में 50 से अधिक सॉफ्ट टॉयज की उत्पादन इकाइयां हैं, जो रोजगार बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं। झांसी में बने खिलौने दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों में बेचने के लिए सप्लाई किए जाते हैं। इस काम से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि वे अपने पारिवारिक कार्य के साथ भी बचे हुए समय में सॉफ्ट टॉयज बनाने का काम करती हैं और अपने परिवार के लिए आय जुटा रही हैं। सर, मुझे 7-8 साल हुए ये काम करके और मैं अपना खर्च उठा लेती हूँ इस काम से और अपने मेरे बच्चे भी हैं, उनका भी हो जाता थोड़ा। 2-3 सालों से हम ये काम भी कर रहे हैं और घर के काम में इससे निपट कर सारा काम करने के बाद जो टाइम मिलता है उस टाइम में हम अपने जो फीस हाथ में लेना होता है उसके चलते 5-6 हज़ार का महीना निकाल लेते हैं। योजना बहुत ज़्यादा अच्छी है आत्मनिर्भर बनने के लिए। हमारी संस्था इस समय कम से कम 90 से लेकर 110 लोगों को अपने साथ जोड़कर काम करवा रही है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत ये प्रोडक्ट टेडी वियर बाकी के जनपदों में प्रचलित हो चुका है, फेमस हो चुका है, वहाँ पे उनको क्वालिटी और रेट अच्छे लग रहे हैं, डिमांडेड आइटम हो चुका है। अभी हमारा ODOP से इसको बड़ी मार्केट मिल गई अच्छी। सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद प्रारंभ की, जिसमें यूपी के 75 जिलों में एक एक आइटम को चुना गया, झांसी में सॉफ्ट टॉयज को चुना गया। यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज का काम थोड़ा पहले से चल रहा था और बिखरे हुए क्लस्टर के रूप में करारी है, हंसारी है, राजगढ़ है, नगरा है, ऐसी जगहों पर काम चल रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने चुना और हम लोगों ने इसमें 2 CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने के लिए
प्रस्ताव भेजा है शासन को, और क्वालिटी जो वाइज जो टेस्टेड एकदम, इसमें मशीनों का भी कुछ प्रयोग किया जाएगा और इसमें हजारों महिलाएं जो हैं जो घर घर काम करती हैं वो सीएफसी के माध्यम से जो के काम करेंगी और इनको इनकी मूल्य का, इनके काम का जो इनकी वैल्यू एडिशन है वो बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट का भी यही उद्देश्य है कि स्वरोजगार ज्यादा से ज्यादा हो। जनपद अलीगढ़ में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत सड़कों पर फल सब्जी व अन्य सामान बेचने वाले छोटे हजारों दुकानदारों को नगर निगम डूडा के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर बड़ी संख्या में लोन दिया जा रहा है। जिले को 56,492 का लक्ष्य मिला है। भारत सरकार द्वारा कोरोना काल में बंद हुए कारोबार को दोबारा से शुरू करने के लिए 10,000 का 12 आसान किस्तों में लोन दिया जा रहा है। अब तक 8,000 लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। जिले में लगभग 200 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। वेंडर डूडा ऑफिस में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं जिससे बंद कारोबार को फिर से शुरू किया जा सके। इस लोन को लेकर लोग छोटे छोटे कारोबार कर अपने परिवार और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। लाभ प्राप्त करने वाले वेंडर्स का कहना है कि ये योजना हमारे लिए वरदान साबित हो रही है। वहीं डूडा अधिकारी का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य है कि गाड़ी पटरी फेरी लगाने वाले रोज कमाने वाले दुकानदार लॉकडाउन में प्रभावित व्यवसाय को दोबारा से शुरू कर सकें। मेरा नाम हसरत अली है और मैं ढकेल का काम करता हूँ, साग सब्जी बेचता हूँ। और प्रधानमंत्री जी ने एक योजना निकाली है जिससे मेरा कारोबार दोबारा से चल सकेगा और मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूँगा। मेरा नाम कृपान सिंह यादव है था। मैं सब्जी की ढकेल लगाता था और मेरी कोरोना की वजह से मेरी ढकेल बंद हो गई। फिर मोदी जी ने योजना चलाई जिसमें 10,000 रुपये मिले थे हमें, हमारी ढकेल दोबारा चालू कर ली नहीं हमने। फिर इसमें कमा करके हमने 5,000 रुपए जमा भी कर दिए। मेरा नाम काबिल अली है, फल का काम करता हूँ। लॉकडाउन की वजह से एक काम बंद हो गया था तो मोदी जी की योजना निकली तो मैंने वो 10,000 का लोन लिया, उससे दोबारा से काम शुरू किया है। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि नाम की इससे योजना ये पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लागू की गई है। जनपद के लिए 56,492 का लक्ष्य निर्धारित है और नगर निगम क्षेत्र में 51,361 का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक करीब हम 8,000 लोगों का ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण कर चुके हैं और ये नगर निगम और ये टाउन एरिया में, नगर पालिका में ये कैंप लगा के, अभियान चला के इस पर पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है रेहड़ी पटरी फेरी लगाने वाले, रोज कमाने खाने वाले और जो पटरी दुकानदार हैं उनको सरकार कार्यशील पूंजी के रूप में 10,000 रुपया 12 आसान किस्तों में दे रही है, जिसमें का उद्देश्य उनको कार्यशील पूंजी मिल जाए, वो अपना ये लॉकडाउन से जो प्रभावित हुई है उनकी व्यवसाय वो उसे पुनर्स्थापित कर सके। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। जारी आंकड़ों में बताया गया 23 मई को ठीक होने वालों की संख्या थी 50,000 जो 4 सितंबर को पहुंची 32,00,000। मुजफ्फरनगर में कोविड 19 से लड़ाई के लिए द्वारिका सिटी में 200 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल सेंटर किया स्थापित, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किया उद्घाटन। राजधानी लखनऊ में आज सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड 19 की गाइडलाइन के साथ संपन्न कराई जा रही है एनडीए की परीक्षा। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों ने जताई खुशी। राजधानी लखनऊ में कल फिर से दौड़ेगी मेट्रो। कोविड 19 के प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं व्यापक इंतजाम। चलने वाले यात्रियों को मास्क लगाना होगा अनिवार्य। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।